दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक है शारीरिक और मनोदैहिक स्वास्थ्य समस्याओं के अंतर्निहित कारण, यानी कि फिजिकल और साइकोसोमेटिक आपकी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसका अंडरलाइंग रीजन क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको अंत तक देखिएगा। और इसमें हम पूरा अंडरलाइन रीजन बताएंगे, क्या क्या कारण है, क्या होता है और सेलुलर लेवल पे क्या होता है, और फिर एक आपको टेक्निक भी बताएंगे कैसे इसको, इस सिस्टम को शांत किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। दोस्तों मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं एक सर्टिफाइड वेलनेस एंड लाइफ कोच हूँ, NLP ट्रेनर हूँ, रिकी मास्टर हूँ, काउंसलर और हीलर हूँ, और मैं फिजिकल और साइकोसोमेटिक हेल्थ इश्यूज को डील करता हूँ। दोस्तों हमारी लाइफ का जो बेसिस है, हमारी फिजियोलॉजी का जो बेस है वो है हमारे सेल्स। सेल्स के ही ऊपर हमारा जो बॉडी जो है वो खड़ी है। तो पूरी फिजियोलॉजी का जो बेसिस है, जो फाउंडेशन है, वो सेल्स है, क्योंकि सेल से ही आपके टिश्यूज बनते हैं और टिश्यू से ही आपके ऑर्गन्स और आपकी बॉडी बनती है। और इसके लिए जो इनपुट है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन। इन सेल्स के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन ही इनपुट है। अब अगर ये हेल्दी सेलुलर सिस्टम होता है, अगर सेल्स हमारे हेल्दी होते हैं तो किस तरह के आउटपुट मिलते हैं वो हम आगे बताएंगे आप। देखिए जो सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारी बॉडी का रिपेयर करना, क्योंकि दिन में बहुत सारी वेयर एंड टीयर होता रहता है हमारे शरीर में, सेल्स में, हमारे ऑर्गन्स में, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये हमारा सेल्स करता है। हमारे शरीर में जो ग्रोथ होती है उसके लिए भी ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। फिर इस पूरी जो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बहुत सारे वेस्ट भी पैदा होते हैं, उन वेस्ट को बाहर निकालना, पैदा करना और उनको बाहर निकालना, ये भी सेल्स का काम है, उसमें ये हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अनहेल्दी अगर बॉडी हो जाए तो क्यों होती है, क्योंकि सेल्स हमारे जो है वो अनहेल्दी हो जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी भी अनहेल्दी हो जाती है। क्योंकि सेल्स अगर अनहेल्दी होंगे तो वो अनहेल्दी प्रोटीन बनाएंगे, अनहेल्दी बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हेल्दी प्रोटीन्स का निर्माण करना, हेल्दी बायोकेमिकल्स का निर्माण करना। अब देखिए जैसे आपकी फिजियोलॉजी है, फिजिकल बॉडी है, तो उसमें फिजिकल जो बॉडी है वो एक सिस्टम की तरह है। उसमें कुछ हमें इनपुट्स चाहिए होते हैं, कुछ हमें इनपुट उसको देना पड़ते हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उसकी प्रोसेसिंग के बाद उसमें से कुछ आउटपुट हमारी बॉडी करती है। ये बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन करना, एक्सक्रीशन करना, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करना, फिर ब्लड फ्लो का काम करना, हड्डियों में काम करना, पूरे शरीर में जो भी काम होता है दैट इज बेसिकली आउटपुट। और आउटपुट कहाँ से आता है, जो हम इनपुट उसको देते हैं। और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इनपुट दैट वी आर गेटिंग, आउटपुट जो हमें मिल रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बाई प्रोडक्ट्स जो है वो इट्स नथिंग बट वेस्ट, फ्री रेडिकल्स, पॉइजन्स। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से इनपुट्स हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो जो पहला इनपुट है वो न्यूट्रिशन, यानी कि जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और न्यूट्रिशन किस में मिलता है, फूड में, जितने फूड आइटम्स हैं उसमें हमें न्यूट्रिशन मिलता है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन वाटर इज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इनपुट टू द बॉडी। सेकेंड जो इनपुट है हमारी बॉडी के लिए दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जो प्राण शक्ति हम अपने अंदर जो इनहेल करते हैं दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन। फिर उसके बाद तीसरा, जो तीसरा इनपुट है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में और इंटरनल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वहां से जो हमें एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं दैट ऑल्सो एक्ट एज ए इनपुट इनपुट फॉर द बॉडी।
और ये सबसे बड़ा इनपुट है जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा काम कर रहा है। इससे पहले कि दोस्तों मैं बढ़ूं इस कोर्स में आगे इस अपने वीडियो में, मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं। ये बेसिक कैंसर के लिए हमने कुछ एवोल्यूशनरी मेथड्स और टेक्निक्स किए हैं, तो वो उसके लिए मैंने लिंक दे रखा है। जो भी आपके आसपास लोग जिनको ये कैंसर की प्रॉब्लम है या वो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको ज़रूर कहें कि इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। लिंक मैंने दे रखा है, मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये दे रखा है। तो जो भी करना चाहें इसको आप सब्सक्राइब करके आप इस लिंक को यूज़ करते हुए वहाँ कोर्स में जा सकते हैं। दूसरा, मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज़ बेसिकली डिप्रेशन। डिप्रेशन, जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या परेशान रहते हैं डिप्रेशन के कारण, उनके लिए भी ये कोर्स है। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे रखा है और यहाँ भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। तीसरा, जो एंग्जाइटी, जो आपको एंग्जाइटी रहती है, परेशान रहते हो आप, पैनिक्स आपको होते रहते हैं, उसके लिए भी मैंने एक लिंक दे रखा है। आप इसको जो है ये कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी में जैसे मैंने दो तीन इनपुट की बात की थी, और एक एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड में क्या होता है वो उसको जज करने के लिए, टू गेन दैट एक्सपीरियंस, हमारी पांच सेंसेस है, पांच इंद्रियां हैं। हमारे अंदर क्या हो रहा है उसकी जो फीलिंग आती है, दैट इज ऑल्सो थ्रू अवर ये फाइव सेंसेस। दूसरा, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसका भी ये फाइव सेंसेस ही मूल्यांकन करती है, अकॉर्डिंगली हमें फीलिंग्स के माध्यम से हमें फीडबैक देती हैं। तो कौन कौन से हमारे वो हैं सेंसेस हैं, टेस्ट, यानी कि जो हम खाते हैं उससे हमें वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बिटर है, सावर है, वो सब हमें फील होता है। दूसरा, स्मेल, खुशबू या बदबू जो भी होती है वो भी हमें एक फीलिंग देती है हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को। साइट, जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, आंखों से हम बहुत कुछ देखते हैं, नेचर को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, अपने आसपास के दोस्तों को देखते हैं, तो ये हमें हर वक्त हमें कोई एक फीलिंग दे रही है, एक ट्रिगर दे रही है। साउंड, जो हम सुनते हैं, हम टीवी देख रहे हैं, जानवरों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें सुन रहे हैं, अपने फैमिली के लोगों की बात सुन रहे हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, गाड़ियों की आवाज़ें सुन रहे हैं, तो ये जो साउंड है दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स, और ये हमारे ब्रेन में ये सिग्नल जाता है। टच, टच भी एक बहुत बड़ा फीलिंग है, जो स्किन के थ्रू जो हमें टच मिलता है, भाई गर्मी है, सर्दी है, मतलब जो भी पेन है या मतलब सुख है, ये सारी हमें स्किन के थ्रू फील होता है। तो टच जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारा। तो ये पांचों सेंस ऑर्गन जो हैं हमें सिर्फ बाहर का ही फीलिंग नहीं देता है, हमें हमारे जो इंटरनल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमें पेन हो रहा है, सुख अच्छा लग रहा है, कोई सरसराहट हो रही है, कुछ कुछ भी हो रहा है बॉडी में, तो वो सारी फीलिंग्स हमें इंटरनल वर्ल्ड की भी और एक्सटर्नल वर्ल्ड की भी हमें हमारे ब्रेन को यही देता है। क्वेश्चन ये आता है, अभी हम फूड की, वाटर की और ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंटरनल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उससे हमारे सेल्स के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब हम बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देख रहे हैं, हमारी सेंसेस उसको जो है उस इंसिडेंट्स को या उन विजुअल्स को या साउंड्स को या फीलिंग्स को कैच करती है, तो वो जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में हमारे ब्रेन में जाता है। ब्रेन जो है हमारा वो न्यूरॉन्स का बड़ा हुआ है, यानी कि ब्रेन के अपने सेल्स हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और ये लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में, और विद इन माइक्रो सेकेंड्स ये जो है आपस में इंटरेक्ट, जब भी कोई फीलिंग आती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है ब्रेन में, तो तुरंत वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर कर लेते हैं, जो सारे सेल्स 100 बिलियन सेल्स हैं, और फिर वो जो भी एक आउटपुट आता है ब्रेन का वो हमारे हाइपोथैलमस ग्लैंड में जाता है। ये हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, हाइपोथैलमस ग्लैंड, ठीक है, और ये हाइपोथैलमस ग्लैंड जो है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, ये हमें अगला एक ग्लावर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये हमारे जिसको हम क्राउन चक्रा भी कह सकते हो, तो वहाँ पे ये सिग्नल देता है।
तो बेस्ड ऑन वेदर द इनपुट इज गुड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज गुड और बैड, अकॉर्डिंगली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक जनरेट करता है न्यूरोपेप्टाइड, एक प्रोटीन जनरेट करता है जिसको न्यूरोपेप्टाइड बोलते हैं। ये न्यूरोपेप्टाइड जो है हमारे एंडोक्रीन सिस्टम में जाता है जिसको हम ग्लैंड कहते हैं। अब ग्लैंड जो है उसको एक सिग्नल मिल गया है ब्रेन से कि भाई सिग्नल खराब है या सिग्नल एक्सपीरियंस इज बैड और एक्सपीरियंस इज गुड, अकॉर्डिंगली वो ग्लैंड का काम होता है हमारे लिए ग्रोथ हार्मोन बनाना, हमारे लिए लव हार्मोन बनाना, हमारे लिए हैप्पी हार्मोन्स बनाना, है ना, ये सारे हार्मोन जनरेट करता है ग्लैंड सिस्टम। लेकिन जैसे ही उसको बैड सिग्नल मिलता है तो क्या होता है, वो स्लगिश या बैड हार्मोन जनरेट करता है एंड मतलब वो परेशानी वाले हार्मोन जनरेट करता है। और ये हार्मोन का काम होता है ये जाके सेल को जाके इन्फॉर्मेशन देता है, ये सेल के बाहर जो जाके बैठ जाता है और सेल को, सेल के अंदर डीएनए है उसका अपना एक ब्रेन है, तो वो उसको ये पता चल जाता है कि भाई समथिंग हैज हैपन और अकॉर्डिंगली वो अपने आप को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो यानी कि जो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग होती है सेल, सेल का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, या फिर अच्छे अच्छे बायोकेमिकल बनाना ताकि हमारी लाइफ प्रोसेस चलती रहे। अब वो क्या कर रहा है कि अपने एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में आ गया, तो अब जो प्रोटीन बनाएगा वो थोड़े कम बनाएगा और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ज़्यादा लग जाएगा, तो डिजीज्ड प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, डिजीज्ड बायोकेमिकल बनाना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, सेल्स जो है वो डिजीज्ड होना शुरू हो जाते हैं। वंस सेल्स गेट डिजीज्ड, जब सेल्स आपके डिजीज्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके टिश्यूज खराब होना शुरू हो जाएंगे, टिश्यूज खराब होना शुरू हो जाएंगे, आपके ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये जो थॉट प्रोसेस है, अगर ये सिग्नल जो है आपके जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, यानी एक्सटर्नल जो आपके एनवायरनमेंट से सिग्नल आ रहे हैं या आपकी बॉडी से भी जो सिग्नल आ रहे हैं, ये बार बार सेल को जब ट्रिगर करते रहते हैं कि बैड बैड मतलब बैड एक्सपीरियंस, तो क्या होता है, अल्टीमेटली योर बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग डिजीज्ड। और अगर ये कई महीनों सालों भर ये नेगेटिव प्रोसेस चलती रहे तो आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल डिजीजेस या साइकोसोमेटिक डिजीज के फॉर्म में। तो ये सारा घनित है। और फिर यही नहीं, फिर जब सेल्स आपके खराब होना शुरू हो जाते हैं तो फिर सिर्फ सेल्स की बात नहीं है, फिर बालों के सेल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपके बाल झड़ना शुरू हो, चिंता शुरू हो जाएगी आपकी, लिवर के ग्लैंड आपके सेल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, पैंक्रियाज के, किडनीज के, आपके मसल्स के, आपकी बोन्स के, तो पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ जिस टाइप का आपको सिग्नल मिला हो, जिस टाइप की आपको बैड थॉट मिला हो, अकॉर्डिंगली वो ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो बी वॉचफुल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ये अभी, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है, तो मैं एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, उसको आप ज़रूर करिए बैठ के। इसको बोलते हैं क्योंकि जब आप सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, आपका जो पैरासिम्पे जो आपका ऑटोमेटिकली काम करता है सिस्टम, जिसको बोलते हैं पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, वो आपका जब डिस्टर्ब हो गया पूरा, तो उसको हमें रिलैक्स करना पड़ेगा ना, उसको हमें मतलब सूद करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है जिससे आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन खत्म होगा, साथ में और भी जो आपकी साइकोसोमेटिक या फिजिकल डिजीज है वो थोड़ी क्योंकि आपका पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम आपका सही हो जाता है। तो चलिए वील डू दिस इज द लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ये हम ये कोई भी 3-4-5 मिनट कर लेगा तो उसका सिस्टम जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। दिस इज वन एक्सरसाइज, ये प्राणायाम की एक्सरसाइज है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है, बहुत आसान है। तो इसको क्या करना है, आपको राइट नॉस्ट्रल जो है इसको बंद करना है, इसको बंद रखिए, आपको सिर्फ इससे सांस लेना है और इसी से सांस छोड़ना है। क्या करेंगे आप, 4 सेकेंड्स के लिए सांस को इनहेल करेंगे, फिर 4 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही 4 सेकेंड्स के लिए, फिर होल्ड करेंगे। तो चलिए मैं आपके लिए करता हूँ, देखिए मैंने पिक्चर भी दी हुई है इसमें, आप अगर देखेंगे पिक्चर दी हुई है, लेफ्ट नॉस्ट्रल पहले ब्रीद इन करें, अब होल्ड करें, अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करें, फिर होल्ड करें,
चार सेकंड के लिए, फिर ब्रीद इन करें, होल्ड करें चार सेकंड के लिए, फिर ब्रीद आउट करें, फिर होल्ड करें चार सेकंड के लिए, फिर इनहेल करें फोर सेकंड के लिए, फिर होल्ड करें चार सेकंड के लिए, फिर ब्रीद आउट करें। तो मैंने तीन बार किया आपके लिए, आपको तो कम से कम भी इसको 12 बार करना है। दिस साइकिल हैज टू बी रिपीटेड 12 टाइम्स मिनिमम। 12 से ज्यादा आप कितना भी कर लें, लेकिन कम से कम 12 बार जरूर करें, क्योंकि इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं करने में। तो ये करेंगे तो आपका जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आपके जितने भी वाइटल फंक्शंस है बॉडी के, उसको ये कंट्रोल करता है। तो अगर आपने उसको सूद कर लिया, उसकी आपको आपने उसको रिलैक्स कर लिया, तो आपका जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक अच्छी स्टेट में आ जाएगा, जिसको हमारी बॉडी जब बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है तो उसको हम बोलते हैं होमियोस्टैटिस स्टेट। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कैसे अपनी बॉडी को होमियोस्टैटिस स्टेट में लाएं। तो ये एक्सरसाइज थी छोटी सी आपके लिए, इसको ज़रूर करें, इसको ट्राई करें, उसको हमेशा ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं इस तरह की बहुत सारी ब्यूटीफुल टेक्निक्स और इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरे चैनल को, और जो मैंने लिंक दे रखे हैं उसी चैनल पे आपको लिंक मिलेंगे, उसी से आप लिंक करके और जो आपके कोर्सेज हैं कैंसर के लिए, एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप उनको अवेल कर सकते हो, जो भी आपकी आसपास लोग हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरा जो YouTube चैनल है वो रैमी द एनिग्मेटिक हीलर करके है, ठीक है। ये YouTube चैनल पे आप जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, और इस तरह के ब्यूटीफुल वीडियोस पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।